हेलो चो, ये वीडियो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस नोट करिए, लिखते जाइए और समझते जाइए। शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इसमें पढ़ेंगे लिविंग बीइंग्स के बारे में, बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। ऑल द वाइटल प्रोसेसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड बाई ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशंस आर इंपॉर्टेंट life processes. In multicellular organism, life processes occurs in various specialized body parts, while in unicellular organism, all these processes are carried out by single cell. जो processes life के लिए essential हैं, हमको जीवित रखते हैं, वो सारे processes life processes होते हैं, और सारे processes ये सिंगल सेल द्वारा ही कैरिड आउट होते हैं, किए जाते हैं। हर सेल अपना पूरा फंक्शन करता है जो जीवित रहने के लिए इसेंशियल है। अब इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस कौन से हैं आपके सिलेबस में? न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन। द प्रोसेसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू डिफरेंट वर्क। न्यूट्रिशन इज ऑब्टेंड बाय मटेरियल कॉल्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट, एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, एग्जांपल मिनरल्स एंड विटामिन्स। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? फूड दो तरह से लेते हैं लिविंग, वो होते हैं लिविंग ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। न्यूट्रिशन भी दो तरह का, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी मेक देयर फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? The process by which plants, in presence of pigment, sunlight, water, and carbon dioxide, to form food and release oxygen is known as photosynthesis. The overall reaction occurring in photosynthesis is as follows: 6CO2 plus 12H2O plus 6O2. ये नहीं, 6CO2 plus 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यह बनाएगा C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। यहां H2O2 लिख गया, H2O है, H2O2 नहीं है। इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में तीन इवेंट स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ये बोर्ड में पूछा जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर इसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स।
अब कुछ रॉ मटेरियल हैं, कुछ सोर्सेज हैं, कहाँ से लिए जाते हैं? तो CO2 और O2 प्लांट एटमॉस्फेयर से लेते हैं और रेडिएशन यानी हीट ये सनलाइट से मिलती है, वाटर सॉइल से मिल जाता है। कुछ फैक्ट्स हैं, फोटोसिंथेसिस इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू सुगर एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरोप्लास्ट कंटेन मेन सिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स जैंथोफिल एंड कैरेटिनॉइड्स स्ट्रोमेटा। गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर एज वेल एज वाटर वेपर्स टेक प्लेस थ्रू माइन्यूट अपर्चर ऑन द सरफेस ऑफ लीफ कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा हैज पोर्स, पोर गार्डेड बाय बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल है वो रेगुलेट करते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं। अब देखो ये दिखाया गया है स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस का, ये लीफ है ऊपर और इसके स्ट्रक्चर, और इस नाम दिया गया है अलग अलग पार्ट्स का। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फॉर्म फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स और डेड एंड डिकिंग ऑब्जेक्ट जिसे सेप्रोफाइट्स कहते हैं, फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स ईस्ट एंड मशरूम। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो दूसरों से लिया जाए, खुद प्रिपेयर ना किया जाए, जैसे यहां सेप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल दिया है जो सड़े गली पर उगता है, जैसे फंजाई है, मोल्ड्स है, ईस्ट है, मशरूम्स है, ये दूसरे से अपना भोजन लेते हैं, खुद नहीं बनाते। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? अब अमीबा का एग्जाम्पल यह लीजिए, अमीबा भी हेटरोट्रॉफिक है, इसे होलोजोइक भी बोलते हैं और एंडोसाइटोसिस न्यूट्रिशन भी बोलते हैं इसको। तो अमीबा क्या करता है, तीन स्टेप में फूड लेता है। अमीबा कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। फर्स्ट में देखिए, बाहर जब कोई फूड आता है इसके सरफेस से टच होता है तो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है और उस फूड को पकड़ने की कोशिश करता है, फिर पकड़ करके उसे अंदर ले जाता है। सेकंड, द फूड वैक्यूल इज फॉर्म कंटेनिंग फूड पार्टिकल। थर्ड नंबर का आप देखिए सी पे, फूड इज डाइजेस्टेड। अब अंदर वैक्यूल में फूड डाइजेस्ट हो जाता है और फिर उसे एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये हो गया अमीबा में फूड, अमीबा फूड कैसे लेता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, अब न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग में कैसे, तो ह्यूमन बींग में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, मुंह से भोजन लेगा और एनस से पास आउट करेगा। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, जो डाइजेस्टिव कैनाल है मुंह से लेकर के एनस तक, उसको बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है माउथ टू एनस। मुंह में सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है थ्री पेयर्स, यानी छह होती है जीभ के बैक नीचे, तीन तीन ग्लैंड होती है दोनों तरफ, तो थ्री पेयर्स हो गए। एंजाइम्स, एंजाइम्स होते हैं लार में और अंदर इंटेस्टाइन्स में, पहुंचते हैं पैनक्रियास से, तो मेड ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन बनाते हैं, ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म, और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में ये ब्रेक डाउन करते हैं। पेरिस्टाल्टिक मोशन, इंटेस्टाइन और जो जो भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इसमें पेरिस्टाल्टिक मोशन होता है,
रिदमिक मूवमेंट। स्टोमक ये लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है बिलो द फूड पाइप। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टोमक सीक्रेट एससीएल पेप्सिन एंड म्यूकस। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्गेस्ट एंड क्वाइल ट्यूब एंड साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलीज होती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन है इस ये जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है वहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और लास्ट में सीकम होता है अनडाइजेस्टेड फूड को वहां से आगे एनस के थ्रू पास आउट कर देते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फूड इज क्रस्ट एंड मिक्स्ड विद सलाइवा विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। बोर्ड में आता है तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सलाइवा कंटेन सलाइवी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च। बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द ओसोफेगस द फूड एंटर्स स्टोमक। इन स्टोमक फूड इज मिक्स्ड विद एससीएल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। पेप्सिन क्या करती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है स्टोमक के अंदर। एससीएल किल्स द जर्म्स इन फूड एज वेल एज प्रोवाइड एसिडिक मीडियम एसेंशियल फॉर पेप्सिन। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल बाई एससीएल। सिक्स है पॉइंट में, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सीक्रेशन ऑफ लिवर एंड इंक्रीज पैनक्रियाज थ्रू ए कॉमन डक्ट। इट इज साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। अनएब्जॉर्ब्ड फूड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन फॉर फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड विली। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी बाय एनस। अब रोल है कुछ सीक्रेशंस का एंजाइम्स का, तो लिवर से बाइल जूस निकलता है। इसका रोल है मेक मीडियम एल्कलाइन फॉर पैनक्रीटिक जूस ब्रेक द फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, इसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। पैनक्रियाज से पैनक्रीटिक जूस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को और लाइपेज लिपिड को। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और फैट फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। तो इस तरह ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह का इसमें आप बना देंगे डायग्राम। डेंटल कैरीज इट इज कॉज्ड ड्यू टू द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एंड दिस एनेमल सॉफ्टन एंड मेनी कॉज मे कॉज डेंटल प्लैक एंड कैविटीज। मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड फॉर्म करते हैं और वही एसिड दांतों में इकट्ठा होकर के दांतों को गला देता है और छेद हो जाते हैं, इसी को डेंटल कैरीज कहते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन तीन तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइट, ये कहां होता है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। एनारोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये साइटोप्लाज्म में। फॉर्मेशन फर्मेंटेशन इट इज ए टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है जैसे फंजाई है।
साइटोप्लाज्म फ्लूइड पार्ट विद इन सेल, सेल के जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इसे पावर हाउस कहते हैं। पाइरूवेट ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। एथेनॉल अ टाइप ऑफ एल्कोहल है। एटीपी ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एनर्जी रिच कंपाउंड है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन टू पाइरूवेट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट एंटर्स टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड देयर टू प्रोड्यूस सीटो एंड एनर्जी एटीपी। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पाइरूवेट पार्सली डिकम्पोज एंड फॉर्म, नंबर एथेनॉल इन ईस्ट, लैक्टिक एसिड इन मसल सेल। अब देखो यहां पर मैं समझाता हूं, जो ग्लूकोज है खाना खाया डाइजेस्ट हुआ, ग्लूकोज हमारे सेल्स में पहुंचा, तो साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज ब्रेक होता है और पाइरूवेट बनता है। पाइरूवेट तीन तरह से फिर ब्रेक डाउन होता है पाइरूवेट का। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ब्रेक डाउन होता है, तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन में अगर ये जैसे मसल्स के अंदर एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन मिलती है। और फुल ऑक्सीजन में अगर कंप्लीट बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये पाइरूवेट ब्रेक डाउन हो रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें फुली ये ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी फॉर्म होती है। ह्यूमन रेस्पिरेशन इट कंट्रोल्स ऑफ नॉस्ट्रल्स नेजल पासेस फेरेंस लैरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एल्वोली डायफ्राम एंड रिबकेज। ये डायग्राम दिखाया है जो आपको बनाना होता है एग्जाम में, स्टेप ये है रेस्पिरेशन के। द इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2 इज नॉन एज ब्रीदिंग। एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, नाक से एयर ली जाती है, सांस लेने को ब्रीदिंग, सांस लेने छोड़ने को ब्रीदिंग कहते हैं। फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स एयर पासिस थ्रू द फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल एंड फाइनली एल्वोली। तो ऑक्सीजन नाक से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकिया से ब्रोंकियोल्स एंड फाइनली एल्वोलाई तक पहुंचती है। एट एल्वोलाई एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक प्लेस विद ब्लड वेसल्स बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब एल्वोली से ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती हैं, डिफ्यूजन से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, CO2 बाहर निकली जाती है परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ऑक्सीजन एंटर इनटू द ब्लड वेसल्स व्हाइल CO2 एंटर्स इनटू एल्वोलाई सैक। बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 कैरिड बाई आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन द्वारा CO2 छोड़ दी जाती है वहां और ऑक्सीजन ले ली जाती है। ट्रांसपोर्ट HB द्वारा ही होता है, यानी हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ब्लड एक टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ RBC WBC प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड प्रोटीन, फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन ले जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड CO2।
हार्ट चैम्बर, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर, डबल सर्कुलेशन ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, आर्टरीज थिक वॉल्ड इलास्टिक कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स, वीन्स थिन वॉल्ड कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट, प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी, लिम्फ टिश्यू क्या है, ये फ्लूड इन इंटरसेलुलर स्पेस इन टिश्यूज, दे कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट, ये लिम्फ होते हैं। इस फाइब्रोमैनोमीटर, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है, बीपी मेजर करता है। नोट्स के अलावा मैं एक और मेरे वीडियो पड़े हैं यहां पर, देख लीजिएगा, और मैं जैसे आपके ये क्लासेस चल रही होंगी उस समय भी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो और ज्यादा अच्छी तरह समझा करके बोर्ड पर मैं आपको बताऊंगा। नोट्स ये रख लीजिए, लिखिए, उनको याद करना। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर, टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल। एम्फीबियन में थ्री चैम्बर होते हैं, फिश में दो चैम्बर होते हैं, ये याद रखना, बोर्ड में आता है। दीज चैम्बर्स आर वेल सेपरेटेड टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, व्हाइल लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय वॉल्स, ए ट्राइकस पिट वॉल और डाइकस पिट वॉल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर इन लेफ्ट एट्रियम बाय पल्मोनरी वेन्स, व्हेन लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जिसे सिस्टोल बोलते हैं, ब्लड एंटर्स टू लेफ्ट वेंट्रिकल, द ब्लड गोज आउटसाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आयोर्टा, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। From different part of body, deoxygenated blood is carried out by superior and inferior vena cava to the right atrium. When right atrium contract, the blood enters into right ventricle. The deoxygenated blood goes to the lungs through pulmonary arteries. When right ventricle contract, अब देखिए, सबसे पहले ब्लड कहां आएगा, ये राइट, अब मैं थोड़ा इसे लार्ज कर देता हूं, सबसे पहले ब्लड यहां से आएगा इंटर एट्रियम में, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से ये आर्टरी के से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स से गैस एक्सचेंज होंगी, फिर वापस आएगा यहां पल्मोनरी वेन से, इस जगह से, यहां से आया ऐसे और एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से गया यहां एओर्टा से बॉडी में। तो हार्ट में दो बार ब्लड आता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे यहां से देख सकते हो, ये ब्लड आया ऐसे, ऐसे गया, फिर यहां से ये ब्लड गया इस तरह लंग्स में पहुंचा, फिर लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल, फिर ये एओर्टा से बॉडी में जा रहा, फिर बॉडी से वापस आ रहा है वेन से, और एओर्टा से बॉडी में जा रहा है। ये ब्लू वेन है और रेड आर्टरी है, तो ये दो सर्कुलेशन होते हैं, तो इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, अब
उससे पहले कुछ वर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। स्टोव बेटा क्या होते हैं? गैसीय, ये गैस एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन, लॉस ऑफ वाटर, पानी से वेपर के रूप में निकल जाता है, एक्सेस वाटर को ये रिमूव कर देते हैं। जाइलम क्या है? ये जाइलम वाटर कंडक्शन करता है, एक चैनल है जो अपवार्ड डायरेक्शन में वाटर मिनरल्स को पहुंचाता है। इसमें जाइलम टिश्यू होते हैं, वेसल्स होते हैं, ट्रेकाइड्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर करता है, अब अपवार्ड डायरेक्शन में करता है जाइलम, यूनिडायरेक्शनल होता है इसका, एक ही डायरेक्शन में। फ्लोएम है, ये ट्रांसपोर्ट फूड को करता है और ये ऑल पार्ट्स में, ये मल्टी डायरेक्शनल इसका फंक्शनल होता है, मूवमेंट का, मूवमेंट करा देता है फूड को। एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन में क्या है, इसमें वेस्ट एक्सक्रीश क्या करता है, वेस्ट को पास आउट करता है बॉडी से। और सबसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सबसे लार्ज ऑर्गन है हमारे किडनी, दो किडनी होती हैं, दो यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। किडनी से ब्लड फिल्टर होता है, यूरेटर में पहुंचता है फिल्टरेट, यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होता है और जब अर्ग होती है तो पास आउट यूरिन हो जाता है। तो एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। किडनी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन में। नेफ्रॉन्स, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूनिट यूरिन, और यूरेटर कनेक्ट यूरिनरी ब्लैडर विद किडनी, ये कनेक्ट ट्यूब्स है यूरेटर। हीमोडायलिसिस, जब किडनी खराब हो जाती है तो ब्लड के टॉक्सिक्स को रिमूव करने की सिस्टम है, प्रोसेस है, उसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। आर्टिफिशियल किडनी, अ डिवाइस टू रिमूव द माइक्रोजेनस नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी आर क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज, दीज आर एसोसिएटेड विद कप लाइक स्ट्रक्चर विच कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट एंड वाटर इन ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन्स, द concentrated urine enters to urinary bladder by a ureter and finally pass out the body through urethra. Excretion in plant, stomata play an important role as is the site of gaseous exchange and transportation. Some waste product are released in form of resin gums. Falling of leaves also help in removal of waste product. तो इन तरह से प्लांट अपना वेस्ट रिमूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉट इज द रिमूव नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बाई विच एपरेचर वी कैन मेजर इट। आंसर 120 by 80 mm of Hg, ये प्रेशर है, 120 मैक्सिमम, 80 मिनिमम प्रेशर रहता है। और इसे किसे मेजर करते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर से, इसको बीपी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स इन डिसॉल्व फ्रॉम द वाटर। मेंशन द मेड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द फॉलोइंग, कस्कटा फंगस, तो कस्कटा पैरासाइट है, अमरबेल जैसे बोलते हैं, फंगस सेप्रोफाइट है। विच एसिड इज फॉर्म इन अवर मसल्स आफ्टर वाइगरस एक्सरसाइज? लैक्टिक एसिड।
How much energy is released when terminal phosphate linkage in ATP is broken down to 30.5 kilojoule per mole? Short answer type question. Why do photosynthesis considered as photochemical reaction? Plant convert the energy of sunlight into the stored chemical energy by forming carbohydrate from atmospheric carbon dioxide and water and releasing the molecular oxygen as the byproduct. Question. What is the role of following photosynthesis? Chloroplast, water, carbon dioxide. So chloroplast trap the sunlight, radiation ko trap karta. Water undergo photosynthesis too. Evolver oxygen, carbon dioxide reduced to form the carbohydrate. Next, question number 8. Write importance of double circulation, dicus and tricuspid valve in heart. Answer. Double circulation importance help. Double circulation importance. Ab ise kya hoti hai importance iski? Help keep oxygenated blood separate from deoxygenated blood. This result in the more efficient circulation of blood. Importance of dicus and tricuspid valve in heart. It prevent the reverse flow of blood from right ventricle to the right atrium, while bicuspid valve prevents the reverse flow of blood from left ventricle to the left atrium. Specify the role of phloem and xylem. Why it is considered as the phloem source multi-directional transportation and xylem unidirectional transportation? Answer. Phloem is food conducting tissue and xylem is water conducting tissue. Phloem transport food in many directions, as from leaves to other part of the plant, like other leaves, flower, stem, root, storage part. Xylem conducts water only in the direction from root to the aerial part of plant. 10. What is saliva? State its role in the digestion of food. Saliva contains salivary amylase that help digest the starch in our food. An enzyme called amylase breaks down starch complex carbohydrates into sugar, which your body can more easily absorb. It helps in the moistens the food for easy swallowing. Long answer question ye hai. Differentiate between following: vena cava and aorta, pulmonary artery and pulmonary vein. Third hai, anaerobic respiration and fermentation. Fourth hai, bronchi and bronchioles. Inme अंतर बताना है. तो वेना कैवा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द हार्ट. एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट. पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. एन एरोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन. फर्मेंटेशन respiration without oxygen in microorganism. Bronchi extend from trachea, have incomplete cartilage ring. Bronchioles extended from bronchi. Draw cross section of leaf and labeled stomata. Also mentioned any two role of stomata in plant. तो हमने
ये लिखा है यहां पर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस वो एक सेक्शन दे रखा है, जैसे अभी हमने यहां पर भी इसमें दिखाया था पत्ती का सेक्शन, तो वो सेक्शन इसमें बनाना है। एक क्वेश्चन है लेवल डायग्राम फॉर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ऑल्सो मेंशन इन रॉल। तो अभी हमने यहां पर बैक साइड में इसका आंसर बता दिया था। गिव रीजन, वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। सेकेंड है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज स्लो। थर्ड है ब्लड सर्कुलेशन डिफर्स इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स फ्रॉम इन द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रबल्स फर्स्ट थ्रू जाइलम्स एंड कंप्लीट कंपेयर टू द नाइट। फिफ्थ क्वेश्चन है वेंस हैव वॉल्स वेयर इज आर्टरीज डू नॉट। आंसर, वेंट्रिकल पंप ब्लड इन टू वेरियस ऑर्गन विद हाई प्रेशर सो दे हैव थिकर वॉल्स। सेकेंड का आंसर है प्लांट आर नॉन मोटाइल लेस एक्टिव एंड रिक्वायर्स लेस एनर्जी सो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल सो क्विकली। थर्ड है एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स लाइक फिश हैव गिल्स टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिश हैव सिंगल सर्कुलेशन। द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स लाइक द बर्ड्स एंड ह्यूमंस हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट एंड शोज डबल सर्कुलेशन। फिफ्थ है इट इज ड्यू टू द हाई ट्रांसपोर्टेशन रेट डे टाइम। फिफ्थ का आंसर है, ये आंसर है वेन हैव वॉल्स वेयर इज आर्टरीज डू नॉट। टू द ह्यूमन द ल्यूमन ऑफ वेन्स हैज वॉल्स विच अलाउ द ब्लड इन देम टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन दस प्रिवेंट बैक टू बैक फ्लो द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। डिस्क्राइब दस डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स वाई इज इट नेसेसरी। आंसर है इन ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन द कार्डियक साइकिल। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इंश्योर्स कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट इंक्लूड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इन पल्मोनरी सर्कुलेशन द राइट वेंट्रिकल पंप डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन टू द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम देयर इट इज pumped into the left ventricle and finally blood goes into the aorta for systemic circulation. In systemic circulation, the oxygenated blood is pumped to the various part of the body from the left ventricle. The deoxygenated blood from different part of the body passes through vena cava to reach right atrium. द राइट एट्रियम ट्रांसफर्स द ब्लड इन टू राइट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन द लोकेशन ऑफ फोर मेजर ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच। आंसर, सलाइवरी ग्लैंड्स, देयर इज थ्री पार्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगल। Which secrete saliva? Saliva moistens the food, disinfects food by lysoenzymes, and digests starch by salivary amylase. Gastric gland. These are present inside stomach. Gastric gland secretes HCl, disinfect food, provide acidic medium for digestive juice, pepsin. For partial digestion of protein to form peptones and proteins,
liver secrete bile which neutralizes the acidity of chyme. Chyme कहते हैं जो खाना चबा करके खाते हैं और जो फूड आ रहा है ऊपर से, जो निकला हुआ फूड है चबाने के बाद जिसमें एंजाइम्स वगैरह मिक्स हो जाते हैं उसको चाइम बोलते हैं. एंड एमल्सीफाइड फैट. पैनक्रियाज लाइज इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम बिलो द स्टोमक. इट सीक्रेट ट्रिप्सिंस लाइपेज ब्रेक डाउन द फैट. क्वेश्चन नंबर 15. एक्सप्लेन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. आंसर synthesis of food by photosynthesis. Photo means light and synthesis means production. It is the production of food with the help of sunlight. Photosynthesis equation 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Event of photosynthesis are as follows. Absorption of light energy, green pigment, chlorophyll. Light energy provides energy for activation of reaction. Photolysis of water, splitting of water into oxygen and hydrogen and electron. Reduction of CO2 into glucose and synthesis of ATP. इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया. ये नोट्स आप बनाइएगा और अच्छी तरह याद करिएगा.